एनसीसी द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं एवं बी सर्टिफिकेट पास करने के बाद सी सर्टिफिकेट लेने के लिए एनसीसी द्वारा रविवार को विश्वविद्यालय के कला संकाय परिसर में छात्र छात्राओं का फिजिकल टेस्ट लिया गया। फिजिकल टेस्ट में सेलेक्ट होने के बाद इनका 11 अगस्त को रिटर्न टेस्ट होगा जो विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में होगा। उसमें पास होने के बाद मेरिट बनाकर इनका सिलेक्शन किया जाएगा जिससे ये देश समाज और की सेवा कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनसीसी के कर्नल राकेश यादव ने बताया। तैयारी स्टार्ट की कोई रिटर्न 11 तारीख को होगा। रिटर्न दीक्षा भवन दीक्षा हॉल में होगा। 9 बजे आपका पेपर प्रारंभ होगा। पेपर में किस तरह के सवाल आएंगे आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया गया है। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हुज हू और एनसीसी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो तो आप सबको जो है इस तरह की तैयारी करके आनी है सबको। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एनसीसी मिले हैं तो आप पढ़ के आइए और बहुत पढ़ के आइए, क्योंकि जो मेरिट बनेगी आपने देखा कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फेयर सिलेक्शन है। तो आपका जो मेरिट बेस्ड होगा तो बेहतर वही है, जो ज़्यादा मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो सिलेक्शन उसका होगा जो अच्छे सवाल, जो सही जवाब देगा। सिलेबस वहाँ पे है, आप नोट कर सकते हो। इससे संबंधित किताबें बाजार में मिलती है, आप पढ़िए। आज जो है आपके पास जो है समय है, अभी 11 तारीख को है, आप अच्छे से पढ़ के आइए। और आप चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली होगा, बट किसी तरह का भी जो है इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होगा। और आपका जो अभी मेन, मैं अभी आपको बताता हूँ, केवल रिटर्न एंड रिटर्न पे आपका सिलेक्शन होगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं जो सिलेक्शन हो रहा है, ये जो एनसीसी सिलेक्शन है जो कि फर्स्ट ईयर कैडेट्स जो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं उनका है, और जो कैडेट्स बी सर्टिफिकेट पास कर चुके हैं उनका सी सर्टिफिकेट लेने के लिए इनरोलमेंट प्रोसीजर है। इस इनरोलमेंट प्रोसीजर को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला इनका डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है, दूसरा इनका फिजिकल चेक होता है जिसके अंदर दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है सीनियर डिवीज़न कैडेट्स के लिए, 400 की दौड़ है SW के लिए। और जो इस प्रक्रिया के अंदर हर एक प्रक्रिया के अलग अलग नंबर हैं, इसमें पास होने के बाद इनका रिटर्न टेस्ट होता है। और फिज़िकल टेस्ट में इसके अलावा इनके हाइट मेज़रमेंट वगैरह, चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह का भी नापदंड जो है रखा गया है, जो कि बिल्कुल SOP की तरह किया जा रहा है। इसके बाद जब जो लोग इसके अंदर उत्तीर्ण होते हैं उसके बाद जो है उनका सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन से पहले इनका रिटर्न टेस्ट होता है। वो रिटर्न टेस्ट जो है अभी 11 तारीख को दीक्षा भवन के अंदर होगा, 9 बजे प्रारंभ होगा। और जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके अंदर जो है इनको मेंटल एबिलिटी, हुज़ हू, एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से, ताकि एक मापदंड रखा गया है ताकि ये कैडेट्स बाद में जाके फौज में भर्ती के लिए, फौज में अफसर के लिए भर्ती के लिए लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका उसी तरह से चयन किया जाए ताकि इनको बाद में भी, अगर कुछ प्रशिक्षण के बाद इनका जो है आर्मड फोर्सेस के अंदर सिलेक्शन हो जाए।
तो अभी आज की प्रक्रिया जो है यहाँ पर केवल फिजिकल टेस्ट तक संबंधित है, और जो अगला इनका जो है वो होगा रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट करने के बाद इनका मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अंदर इनके सभी मार्क्स जुड़े जाएंगे, और मार्क्स जुड़ने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके अंदर कि जितनी हमारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे 54 है, तो उसके तहत इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और जो फर्स्ट 54 के अंदर आते हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। कुछ हम रिज़र्व रखेंगे, अगर मान लो कुछ कैडेट्स उसमें नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या उनका कुछ ऑप्शन और है या कुछ मेडिकल में निकलते हैं, तो फिर उनको रिज़र्व कैटेगरी वालों को जो रिज़र्व नॉमिनेटेड है उनको वहाँ पे रखा जाएगा, और फाइनली सिलेक्शन करके जो है वो उसकी लिस्ट एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है और एक यूनिवर्सिटी हमारे रिकॉर्ड में रखते हैं। इसके बाद इनकी जो है ये प्रक्रिया होने के बाद इनकी जो है NCC एनरोलमेंट पूरा माना जाता है, और उसके बाद इनकी कार्रवाई परेड स्टार्ट होती है। लड़कियों का जो है इनके पास हमारे पास कुछ सीटें फिक्स हैं, मतलब जनरली जो है 33% से ज़्यादा हम इनको भी मौका देते हैं, और उसके तहत इनकी 25 से 26 सीटें जो है हमारे पास हैं सीट्स हैं। तो अभी जो आज जो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आए हैं ये लोग 35 से 40 के तकरीबन गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो जो भी इसमें मेरिट बेस्ड पे आएंगे ज़्यादातर जो है उन्हीं को रखा जाएगा।